सिर्फ सुकून चाहिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा सुबह का 10 और स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से हर्ष नेगी ब्लॉग्स में और इन सुंदर उत्तराखंड की वादियों में। तो आज हो रही है बर्फबारी, कब से इंतजार कर रहे थे हम बर्फबारी का, तो बर्फबारी पड़ रही है, तो आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट, है ना। गाइस मोटे को देख सकते हैं आप, मोटे फुल मजा ले रहा है बर्फ में, बहुत तेज बर्फबारी हो गई यार, बहुत तेज बर्फ जमने लग गया। सब लोग बाहर आ चुके हैं बर्फ देखने के लिए। गाइस बर्फ पड़ रहे, गाइस मोटे ले रहा फुल मजे बर्फ के। संतोष भाई आ चुके हैं, तो संतोष भाई कैसा लग रहा है आपको पहली बार इस साल की बर्फबारी में? बहुत सही लग रहा है, इस बार तेज पड़ी है ना बर्फ, तो गाइस पूरा जम चुका है। ये आपने घूमी भाई, सही टाइम पाए छुट्टी, नौकरी होते हैं ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो, एक नंबर। अब लख लिया आज ये तो गाइस बर्फ जम चुकी है पहली बार और सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है आराम से। तो गाइस फोन पे काम करना बंद कर चुका है थोड़ा बहुत, और ऊपर चल रही है, ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम के लिए, रील्स बनाई जा रही है, और बारिश पहली बार बर्फबारी हो चुकी है यहाँ पे खतरनाक तरीके से। और हमारी टंकी देख सकते हैं आप, टंकी भी जम चुकी है जिस पर हमने कुछ ऐसा लिख रखा है, और चलते हैं अभी गाँव में, ठीक है। टोपी, अपनी टोपी देख सकते हैं, मेरी टोपी पूरी बर्फ से सफ़ेद हो चुकी है, काली टोपी सफ़ेद हो चुकी है मेरी, और गले के अंदर बर्फ़ जा चुकी है। तो अभी बनाते हैं हम दाल, भात बना दिया था मैंने, चावल चढ़ा दिया था मैंने, चावल बन चुके हैं अपने, और अभी दाल बनाते हैं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी तो आधा घंटा ही हुआ है बर्फ पड़ते हुए, तो बर्फ पड़ना तो अभी आधा घंटा ही हो रखा है शुरू, और आप पीछे देख सकते हैं पूरा सफेद हो चुका है, पीछे पूरा सफेद, आगे का कहीं नहीं, पूरा सफेद हो रखा है। देखो अगर 2-3 घंटे टिक गए बर्फ तो कितना पड़ेगा लगा लो, अभी तो आधा घंटा ही हो रहा है, अभी आग सेकते हैं क्योंकि मेरे हाथ हो चुके हैं सुन, उसके बाद चलते हैं गाँव में, वीडियो स्टार्ट करेंगे फिर वहीं से। मेरा गिम्बल खड़ा कर रखा उन्होंने और इंस्टाग्राम के लिए रील बन रही है, इंस्टाग्राम में अच्छी अच्छी वीडियो डालता है संतोष भाई, अभी मैं बनाऊंगा अपने एक दो रील्स इंस्टाग्राम के लिए। तो पूरा सफेद हो चुका है, गाइस बड़े फुल मजे ले रहा है बर्फ के, चले गया वो घूमने, सुबह से पॉट नहीं गया, पॉट करके आएगा अभी थोड़ी देर में, भोपाल आएगा सुबह, इधर अभी खाना खाते हैं फिर चलते हैं घूमने, ठीक है। तो गाइस अब नकीन बनाए जा रहे हैं, नकीन भवानी की बंद नकीन है, यहाँ पे कारीगर साहब है हमारे, ये बना नमक पारा से नकीन, तो नमकीन तो बन चुकी है, तो गाइस अब नमक पारा बन रहे हैं यहाँ पे, और सब साहब बैठ रखे हैं यहाँ पे हमारी भाभी जी, मार 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 अबे दो लाओ उन्हें बड़ा मारा ना, मार एक ना एक ना एक ना,
रुक जा ओ सड़क में रोड में देखो तुम यार बहुत खतरनाक 5 सेंटीमीटर पड़ गया ना गाइस 5 सेंटीमीटर के लगभग पड़ चुकी है बर्फ 2 घंटे में और अभी हाँ भेजबुआल खड़े तो 5 सेंटीमीटर के लगभग पड़ चुकी है और पूरा मजा आ रहा है यार बिल्कुल व्हाइट हो रखा बिल्कुल व्हाइट देखो पूरा गाँव दिख रहा है गाँव भी नहीं दिख रहा आप लोगों को तो बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे बर्फ का 4-5 बार पड़ चुकी थी बर्फ और गाड़ियाँ दिखानी आपको देखो गाड़ियाँ कैसे हो रही हैं देखो इसी से अंदाजा लगा सकते हो आपके 5 सेंटीमीटर की कितनी है देखो 5 सेंटीमीटर तो पड़ चुकी होगी यार ज़्यादा ही पड़ चुकी होगी 5 सेंटीमीटर से हाँ गाय इसकी कैसे मिलने की क्या ओ एनके बड़े अच्छा 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 पकड़ गाइस पीछे देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ हैं और लकड़ियों में कैसे खतरनाक डिजाइन जम रखा है देखो बर्फ का अभी हम यहाँ फोटो शूट करेंगे और फोटो मतलब एक नंबर के आने वाले मुझे लग रहा है यहाँ पे क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना कितनी एक नंबर की मतलब वेल लग रही है एक नंबर की गाइस हमारे साथ है सुनील ने की जो कि सॉल ओढ़ के आ रखे हैं और जूते पहन रखे उनके उन्होंने जॉर्डन के देख सकते हैं आप उनके जूते हर लोग तारीफ करते हैं उनके जूतों की एक बार हम मिलेंगे तो कोटदार उनके जूते तो बाइक के लिए कंफर्टेबल हैं वो जूते कंफर्टेबल हैं अभी हमारे साथ आ रखे हैं हमारे बडी मतलब मेरा डॉग है जो बडी नाम है उसका और 3-4 डॉग और हैं तो दोस्तों ने कहा कि यार जब बर्फबारी बंद हो जाएगी फिर चलेंगे घूमने लेकिन हमने कहा नहीं हमको जाना है क्योंकि बर्फबारी में अलग ही मज़ा आता है यार क्योंकि हम भीग रहे हैं लेकिन फिर अलग ही मज़ा है यहाँ पे देखो तुम ये भी कुत्ता है ये कुत्ता खेल रहा है और कुत्तों के साथ तो सब कुत्ते खेल रहे हैं यहाँ पे देखो कुत्ता खेल रहा है यहाँ पे अपना भाई है तो अभी पहुँच चुके हैं हम अपने गाँव के गेट में और सुनील भाई मज़े लेते हो बड़ी के साथ और आज यार 2-3 घंटे में बिल्कुल ऐसा पैक हो गया बिल्कुल धमाकेदार वाला है देखो ये खतरनाक पैक हो गया यार आज अगर 1-2 घंटे और रह गए तो मतलब समझो तुम फुल पैक चीड़ के पेड़ बिल्कुल टूट गए थे बहुत सारे तो उसके बाद रामनगर ले गए उनको उन पेड़ों को काट के सरकार ने मतलब जो हमारे गाँव के सरपंच हैं उन्होंने वन विभाग को बेचे हो फिर वन विभाग ने सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की और उसके बाद उनको बेचा गया रामनगर के हरिद्वार पता नहीं कहाँ गया वो लकड़ियाँ तो चीड़ के पेड़ गिर रखे थे बहुत ज़्यादा यार तो इस बार कुछ ऐसा ही अब तो थोड़ा बहुत कम हो चुकी है बर्फ़ लेकिन अगर और होगी तो इस बार भी देखो तुम ये पेड़ देख रहे हैं आप ये जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको कांडे हैं ये तो देखो तुम
कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है तो ज़्यादा लोड नहीं उड़ा पाते फिर रहे पेड़ पौधे, फिर वो टूट जाते हैं। वैसे ही हमारे चीड़ के पेड़ भी टूट गए थे उस 5-6 सालों में। यो हमारा गांव है, पहले यहाँ पे रोड नहीं थी, अब रोड चलेगी, अखरोट का पेड़ है, यहाँ पे गाड़ी गुड़ी खड़ी कर सकते हो आप, ऊपर दिखते नहीं है पूरा गांव, और ऊपर थली साइड बाइक कंडीशन देख लो, यहाँ पे लग रही है बाइक है, ये शायद रामनगर वाली जाने लायक है अब, ठीक है, ये है खान साहब जो हमारे भैंस भूस ले जाते हैं, ये उनके छोटे भाई असलम, असलम जी अपने चेहरे दिखाओ, ये हिमाचली हिमाचल का है, गांव का नज़ारा देखो क्या मस्त है भाई, ये गाड़ी देख सकते हो आप, बर्फ़ी बर्फ़ जम रखी है, एक खान भाई है ये सब्जी सब्जी जाती है, उनके ताऊ के लड़के हैं, जगह में आज हो रही है, आज बर्फबारी तो सुबह शायद 10 बजे से शुरू हो गई थी और अभी बच चुके हैं 3, तो सुबह से कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है इधर गांव में, और जंगल तो पूरा पीछे धुंध लग चुका है, पूरा कोहरा ही कोहरा हो चुका है। आज एक भाई का बर्थडे भी है तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम इस तरह से, तो दिखाते हैं आपको। गाइस ऐसा केक आपने जिंदगी भर नहीं खाया होगा, थोड़ा इसमें कलर कलर और रहता तो मजा आ जाता, तो आकाश भाई का बर्थडे है आज, चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो गाइस केक काटा जा रहा है यहाँ पे, आप वो तो खोलो ना इनकी तो खोलो, ये कहा रहा ये तारा वो तो खोलो ना, खोलो वही तो खोलो, आकाश से खोलो, आकाश से खोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो गाइस बर्थडे भी मना लिया हमने अपने भाई का, आकाश भाई का, अबे यार ये बोल कि नहीं बोल ब्लॉग, गाइस घूमी भाई बांट रहे भी यहाँ अरसे, देखो दी और से कम ही लाए इस बार, तो घूमी भाई अरसे बांटने के लिए पहुंच चुका है, नौकरी हो तो घूमी भाई की तरह हो, 10 दिन में छुट्टी आ गए, तो अब अरसे बांट रहे हम गांव में, अब बर्फबारी बंद हो चुकी है तो चलते हैं गांव में, निकलते इधर से, ले आ पूछियो काम है करियो करियो नहीं खाना लाए करियो मिल गो ना, हां हां करियो मिल गया यार, आज दिला तो पटा से घूमी भाई के साथ तो देखी होगी आपने कहां से हुई, तो जब भी कोई मतलब अपने मायके से ससुराल आता है, मायका ही हुई ना बताई नहीं मुझे, तो जब भी कोई अपने मायके से ससुराल बनी की मायका रखी, जब भी कोई लड़की अपने मायके से ससुराल में आती है तो कुछ ना कुछ लेकर मतलब गांव में बांटने के लिए कि हम आ चुके हैं, ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम अभी अरसे बांट रहे हैं, तो हर घर में जाना पड़ता है, तो एक परंपरा है गांव की, अभी पड़ रखी है बर्फ, और ये हाथ जिस हाथ से मैंने गिम्बल पकड़ रखा है तो बहुत टटका रहता है, बहुत ही नमन 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 ये नमन 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 ये एन कैमरा खतरन जाना तो गढ़ नंबर 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 बदम नमने तो भावी जा रहे अभी छन्नी छन जाना तू मैं छन्नी क्यों छन मतलब है गौशाल है ना कान जल के जी मैंने बागा बोले अगर ये चाय पी जा रहे गाइस चाय 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 पिछली बार की बार तो खुशबू बोला पिछली बार की बार चाय बाल साई नहीं बैठे ये अपना लाली लाली क्या करें तू
पूरी नहा तक चलो पत्थर वाले मकान, अब बर्फ़ पिघलती रहेगी और लैंड रोल में पानी जम जाता है। वैसे लैंड रोल से पिघल जाता है बर्फ़, पत्थर वाले बर्फ़ कोई देखते हुए बनाए थे पुराने ज़माने वालों ने। और अभी पहुंच चुके हम सबसे टॉप में, ये नो तो पता मैं तो प्रिंस हैं, क्या नो क्या प्रिंस हिमांशी नो क्या दिव्यांशी हैं, क्या नो प्रियांशी हाँ अभी तक हम क्या फेंक गए। बर्फ नहीं खाया, बर्फ नहीं खाया, हाँ बर्फ नहीं खाए, बर्फ नहीं खाए प्रिंस, हाँ ओ प्रिंस बर्फ नहीं खाया तो मार खाने दो। हम हगने जा रहे भाई भाई मुर्गे मारने जा रहे, बर्फ पड़ रखी मुर्गा दौड़ दूल हम लाएंगे गरदार से, तुमको पता ही है अनिल बॉस भेज रहे हैं, अनिल बॉस भेज रहे हैं, पर क्या करे वो खुद ही बोल्ड हो रखे हैं। अभी उनके घर गए थे, हमने कहा रेस्ट करने दो उनको भी, क्योंकि भाई सुबह से पीरा बंद है तो थोड़ा उसको आराम भी चाहिए। हमने तो बीड़ी नहीं मिली, ये है ना पीछे इसने मेरे घर से मेरी मम्मी की बीड़ी चुरा ली भाई कुछ भी नाम मेरा आ रहा है असलम खान, हो गया मुर्गियों को दाना देने के लिए, ठीक है सलीम असलम खान है। हाँ ये सलीम है इसका बोचर खाने का दुकान है थलीसण में। बाकी और क्या बोले यार हम कुछ बोलने के लिए। सो गाइस अभी बज रहा है शाम का 5:30 हो चुका है, शायद 5:30 के लगभग हो गया टाइम, और ये काम भी हमने फिनिश कर लिया अपना। और अभी जा रहे हैं हम अबट जा रहे हैं, हम रास्ता बहुत नीचे से हम अबट जाएंगे, यहाँ से छलांग लगानी पड़ रही है। ओ यहाँ पूरे खेत ही खेत हैं, देख सकते हैं आप, आ चुके हैं घूमे भाई छलांग लगा के। अभी आ चुके हैं हम पाकिस्तान, सुबह बांग्लादेश गए थे घूमने, बांग्लादेश में हमारे गांव में पाकिस्तान भी हैं, और बर्फ में घूम घूम के मुँह भी काला हो गया, काला ही नहीं वैसे तो अब शायद वो चुनाव के चक्कर में साइन वाले बनने वाले हैं कटवा लिया गया, देख सकते हैं इधर बिल्कुल मस्त हो रहा है पीछे, दिखा दूं मैं आपको। अरे बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश तो आज के हम पाकिस्तान जाएंगे अब आरसी पार्ट में, आगे का व्यू दिखा दूं मैं आपको पहले, मस्त वाला एक नंबर का। देखे तुम लैया लैया बिल्कुल झुक रहा है बर्फ के चक्कर में, और गेहूँ तो दिख ही नहीं रहे। देखा होगा आपने पिछले ब्लॉग में बनाया था, मैंने पिछले ब्लॉग में आया था इधर घूमने, तो गेहूँ हो रखे थे और बर्फ़ के कारण पूरा ढक चुका है और मौसम भी बहुत ख़तरनाक हो गया है, कोहरा लग चुका है, अगर बारिश होगी तो बर्फ़ पिघल जाएगी। और गाँव तो दिख ही नहीं रहा हमारे यहाँ से, पूरा कोहरा आ चुका है, अभी अभी आया घूमे भाई ने, वीडियो नहीं बनाने दी मेरे को, वही अपना पता नहीं क्या लगा पड़ा था ब्लॉग में, और हो रहा है चारों तरफ आसमान पाकिस्तान के बंकर हैं। ये जो आपने देखे अभी ये बंकर है, कहाँ है ये, इन कुत्ते पाल लगे यहाँ पे, ये यूसुफ ये जब संसद भवन पे हम लोग आते तभी बहुत छोटा था ना, ये इनका अमनेशन पॉइंट है। अभी क्या बोले दोस्तों, बाढ़ के नीचे खरगोश भी है बाहर है, जो भारत पाकिस्तान युवा चल रहे अपनी दाढ़ी काट ली ये। ये अपना ड्रोन है पाकिस्तान का, उधर देख उधर, हाँ चाचा देख मुर्गा पता नहीं यार हजार हजार करे उन्हें शायद, हाँ
तुम्हारे नजदीक से हम उन पहले प्लान था ना ब्याह उन ब्याह बना रहे सुनार तो गाइस आज की स्नोफॉल की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर हंसने की ब्लॉग्स में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।